सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बाबा रामदेव ने किया पतंजलि परिधान स्टोर का उद्घाटन। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लगातार पांचवें दिन भी कर्फ्यू। अब खबरें विस्तार से। सरकार, संघ और भाजपा का एक बड़ा हिस्सा शीतकालीन सत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए बिल पेश करने के पक्षधर है। वही कांग्रेस ने अब इस पर अपना पक्ष साफ कर दिया है। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है। सीधा जवाब ये है, ये जो कानून और ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है, यह सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए की जा रही है। ना 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 इनका राम मंदिर से कोई वास्ता है, ना भगवान राम से कोई वास्ता है। देखिए देखिए, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। कांग्रेस का यह मानना है कि जो उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा, वो उच्चतम न्यायालय का फैसला हमको माननीय होगा। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अब कपड़ों के बाजार में भी कदम रख चुकी है। सोमवार को नई दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में धनतेरस के मौके पर रामदेव बाबा ने अपने पहले पतंजलि परिधान शोरूम का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ शहर में सोमवार को लगातार पांचवें दिन भी कर्फ्यू जारी है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और उसके भाई की संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद वहां कर्फ्यू लगाया गया। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।